नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की मुलाकात। विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किसानों ने सरकार को दिया धन्यवाद। अर्जुन मुंडा ने अन्नदाता को बताया देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पशुपालक और मछुआरे बने गणतंत्र दिवस परेड के गवाह। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मेहमान पशुपालकों और मछुआरों से केंद्र प्रेरित किसान हितैषी योजनाओं पर की विस्तार से चर्चा। स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दिया गया सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत मंडपम में 100 महिला स्वच्छ ग्रहियों का विशेष स्वागत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुमनाम नायिकाओं के प्रयास को बताया प्रेरणादायक। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे का जारी किया अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 1500 किसानों व उनके जीवन साथियों ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन किसानों से मुलाकात की और किसान हितैषी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में वैसे हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1500 किसानों को शपथ में आमंत्रित किया था, जो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित इन किसानों से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली स्थित ICR के सुब्रमण्यम सभागार में मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि अन्नदाता की मेहनत और मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में कृषि और बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। सरकार लगातार देश का उत्पादन को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसी तरीके से देश का बागवानी उत्पादन भी आज सर्वाधिक उच्च अवस्था में उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 351.52 मिलियन टन का सर्वाधिक उत्पादन का लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसके लिए भी मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि देश के किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में हैं। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज्यादा मदद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले दिन में हम सब हम क्या उगाते हैं उसको वेस्ट नहीं करना, उसको कौन खाने वाले का आज तक का हम पहुंचाने का काम करना, ऐसे लक्ष्य रखे हमारा किसानों आने वाले दिन में काम करना। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार के आतिथ्य से उत्साहित किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आने का उन्हें अवसर मिला, ये अविस्मरणीय पल उन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। मुंडा जी ने हमको किसानों को बहुत समर्थन दिया है। हम हॉर्टिकल्चर में हैं, बागवानी में हैं, हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं हिमाचल में, और दिल्ली आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम, फर्स्ट A1 ग्रेड में दूंगा सरकार को। गणतंत्र दिवस पर आए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और यह कार्यक्रम हम लोग अभूतपूर्व था, इसको जीवन भर स्मरण करेंगे। एक गांव का गरीब आदमी किसान जो है, जो कभी सोचता नहीं था हम कि राजपत्र आंखों दिखाए इस कार्यक्रम देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो है। और ये जो सरकार ने किया है, हम चाहेंगे हर साल ऐसा ही करें तो अच्छा रहेगा जो है। इससे देश दर्शन का अनुभव हुआ कि देश में कैसे लोग किस किस प्रकार से खेती कर रहे हैं। अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया, जो किसानों के लिए और सरकार के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित महिला किसानों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया।
हमें यहाँ पे बुलाया गया SFEC और मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरी कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत शुक्र धन्यवाद देना चाहूँगी अर्जुन मुंडा सर को और जो हमारी पूरी टीम है SFEC की, उनको उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। से छोटे किसानों को मौका नहीं मिलता था इस तरह से यहाँ पे आने का, लेकिन आज BJP के सरकार ने हमें यहाँ पे किसानों को आमंत्रित किया है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको दिखा झांकी दिखा और राजगढ़ से आए हैं, यहाँ बहुत सुंदर लगा, अति ब्यूटीफुल। यहाँ का बहुत भव्य जो स्टेडियम है और सारे चीज़ें व्यवस्था अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। और हमारा प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जगह जगह से आया हुआ किसान लोग को बहुत हम मिल लिया और बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और तरह तरह के देश के प्रदेश के लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने को मिला, कैसे हमारा किसान भाई कैसे लोगों का यहाँ पे उन्नत हो रही है। गौरतलब है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए ये सभी अतिथि किसान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनमें अधिकांश किसान उत्पादक समूह से भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से गणतंत्र दिवस पर इस बार देश के 1500 किसानों को परिवार के साथ दिल्ली में आमंत्रित किया गया। इन किसानों ने न केवल गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के तौर पर भाग लिया, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में कृषि से जुड़े तकनीक और नवाचार को जानने और समझने का अनुकरणीय प्रयास भी किया। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के इन प्रयासों से एक ओर जहाँ देश के अन्नदाता का मान सम्मान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक अर्जित करने से उनकी आमदनी बढ़ने के विकल्प भी खुले हैं। मिर्सोगी कैमरामैन बाबा हरजीत के साथ में उपी यादव। और देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जनहितेशी योजनाएं बनाने के साथ ही हमेशा उनका मान सम्मान बढ़ाया है और इसी क्रम में गणतंत्र दिवस पर पहली बार अन्नदाता को बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से गणतंत्र दिवस पर देश भर के किसानों को आमंत्रित किया गया। ये देश में पहला मौका है जब अन्नदाता को गणतंत्र दिवस में अतिथि के तौर पर शामिल किया गया है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी। आजादी का अमृत काल आपने कहा और ये प्रवेश द्वार है और इसमें शिरकत करने आए देश के अन्नदाता आए बतौर अतिथि, क्या कहेंगे? मुझे बेहद प्रसन्नता है कि देश भर के किसानों के यहाँ आने से वास्तविक रूप से देश का गणतंत्र दिवस प्रतिबिंब हो रहा है। किसान जो हमारे अन्नदाता है भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, इसके साथ साथ ही यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। पूसा का जो एरिया है 1200 एकड़ से ज़्यादा ये परिसर है, यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के काम होते हैं। तो किसान वैसे तो खुद ही वैज्ञानिक है क्योंकि खेत में काम करता है, प्रैक्टिकल है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में जो मैकेनाइज वे में या अच्छे सीड के मामले में और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ देखेंगे, तो ये कोशिश है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने इस तरह के कार्य योजना के लिए प्रेरित किया है कि किसान अधिक से अधिक आए और चीज़ों को देखे समझे। और हमारा देश, हमारा गांव, हमारी मिट्टी, हमारी महक ये पूरे भारत में फैले हैं। नए भारत का 2047 का जो सपना है अन्नदाता के जरिए पूरा करने में आपका मंत्रालय काम कर रहा है और आप भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इनकी भागीदारी को किस तरह देखते हैं? देखिए, अन्नदाता समर्थ हो, अन्नदाताओं का आय दोगुना हो, उनके परिवार अच्छे हों, स्वास्थ्य शिक्षा की अच्छी सुविधाएँ और उसका लाभ उनको मिले, ये केंद्रित करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अन्नदाता के खुशहाली से ही हमारी खुशहाली। देश के अलग अलग राज्यों के किसान आए हैं, देश की विविधता में एकता के दर्शन यहाँ आज आप देख रहे हैं, किस तरह लगता है विहंगम भारत का सांस्कृतिक नज़ारा अन्नदाता के जरिए विविधता में एकता? देखिए, बहुत ही एक लघु भारत आज इस सभागार में दिख रहा था क्योंकि देश भर के किसान यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के साथ मिलेंगे, कैसा रहा कैसा लगा
क्या आपके तरफ से सुझाव है, इन सारे चीज़ों को लेकर के एक गांव का साधारण किसान देश के बारे में सोचता है। एक साधारण किसान सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं, परिवार का भविष्य के बारे में चिंता करना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ देश की चिंता करता है, वो आज दिख रहा है। तो ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर देश के अन्नदाता को न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया गया है, बल्कि पूसा में चले कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान से जुड़े कार्यों को रूबरू करवाने के लिए इनकी विजिट करवाने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 1000 से अधिक पशुपालकों, मछुआरों और उनके परिवारजनों ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इन पशुपालकों और मछुआरों से मुलाकात की और केंद्र प्रेरित किसान हितेशी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। देखते हैं देवेंद्र रावत की ये खास रिपोर्ट। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही। जहां कर्तव्य पथ पर देश के शूरवीरों की कदम ताल दिखी तो झांकियों में देश की विराट विरासत की झलक देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच कर्तव्य पथ पर वे गुमनाम योद्धा भी बतौर विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में थे, जो अपनी मेहनत और लगन से लगातार पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस बार केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1000 से अधिक पशुपालक और मछुआरों को सह परिवार आमंत्रित किया था। परेड के बाद केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इन विशेष अतिथियों के साथ नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में संवाद किया। रूपाला ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है कि जब पशुपालक और मछुआरे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर मार्केटिंग भी करें, अपनी ब्रांड का अपने परिचितों पे प्रयोग करते हुए उसकी ब्रांड को आप डेवलप करेंगे तो सभी चीजों में, फिशरीज में भी ऐसा है, आप भी अपने टेस्ट को डेवलप करके उस टेस्ट की फिश को अच्छे कंडीशन में देने का कोशिश करो। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने साथ ही दोहराया कि जो भी सुझाव पशुपालकों और मछुआरों की तरफ से आए हैं उनका विभाग उसी दृष्टि से नीति भी बनाएगा। इसी योजनाओं में हम सब रुचि ले, उसको समझने की कोशिश करें। आपकी ओर से जो ट्रेनिंग कंपोनेंट का विषय आया है, हम इसको एड्रेस जरूर करेंगे, आपको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे, उसी में कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे पशुपालकों को क्या चाहिए, हमारे मछुआरों को क्या चाहिए, वो कहे, इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है, तो ये आपने कहा है, हम इसको पॉलिसी में कन्वर्ट करेंगे। देश भर से आए पशुपालकों और मछुआरों ने गणतंत्र दिवस में शामिल होने के बाद जहां केंद्र सरकार का आभार जताया, वहीं अपने अनुभव भी साझा किए। तो 2017 में भारत सरकार ने नोंद लेके मेरे को नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया और हाल ही में भारत सरकार ने हम लोगों को 2 करोड़ की सब्सिडी पास करके एक नई गौशाला का मैंने निर्माण किया है, जो शॉर्ट टाइम में हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो एक रूमबॉय से हम लोगों को बड़े बिजनेसमैन तक, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विकास है। करीबन 450 के ऊपर गिर गए हैं और हम उसके दूध का और घी का एक्सपोर्ट भी करते हैं, घी का, और सूरत में उसका डूड डिलीवरी भी करते हैं। सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजना के तहत हम आज यहाँ पे आए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हो या NDDB हो या मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सपोर्ट मिला है। तो धीरे धीरे मुझे जैसे गवर्नमेंट से हेल्प मिलती गई और मुझे ये PMSY जो स्कीम थी सेंटर की, उसमें और पंजाब गवर्नमेंट में और दिल्ली गवर्नमेंट ने, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें जो लाभार्थी हूँ उसका मैं, उसमें मुझे काफ़ी इन्होंने हेल्प की, सब्सिडी भी हमें दी और आज मैं करीब 32 एकड़ में फिश फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ जलीय कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए कई परिवर्तनकारी पहल शुरू की हैं। दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए पशुपालक स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मछुआरा समुदाय को बहुत बड़ा संबल दिया है। देवेंद्र रावत की रिपोर्ट। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम देश भर से लगभग 500 से अधिक स्वच्छता सेनानियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता सेनानियों से बातचीत की और भारत को स्वच्छ बनाने के योगदान के लिए उनकी सराहना की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिला स्वच्छ गृहियों से बात कर देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में उनके विचार जाने। जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छता के लिए किए गए इन गुमनाम नायिकाओं के प्रयास को सराहा और प्रेरणादायक बताया। भारत की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आ रही हैं और अपना नाम कर रही हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सामने लाने के लिए इस साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के गुमनाम नायिकाओं को विशेष अतिथि के रूप में सम्मान दिया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अलग अलग राज्यों से 500 महिला स्वच्छ गृहियों का स्वागत किया गया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिला स्वच्छ गृहियों से बात कर देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में उनके विचार जाने। जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छता के लिए किए गए इन गुमनाम नायिकाओं के प्रयास को सराहा और प्रेरणादायक बताया। जब मैं 5 साल बाद में वहाँ जब स्टॉकहोम में बैठ करके वहाँ अपनी बात, क्योंकि हम ODF हो गए थे और सारी दुनिया को पता चल गया था, और जब मैंने वहाँ भाषण दिया और अपनी बात समाप्त की कि हमने 5 साल में 10 करोड़ शौचालय बना करके देश को खुले में शौच से मुक्त किया है, सारी दुनिया जो पहले भारत को अपराधी की तरह देख रही थी वो भारत को विजेता की तरह देख रही थी, और उसका कहीं किसी को अगर श्रेय जाता है तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो आप जैसे स्वच्छता गृहियों को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने पहले संबोधन में भारत को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था। फिर 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। तब से इन स्वच्छता सेनानियों ने समाज को जागरूक, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। महिला स्वच्छ गृहियों ने गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाए जाने को अपने काम का सम्मान बताया और साथ ही अपने काम को पहचान मिलने पर बेहद उत्साहित नजर आईं। एज अ स्वच्छ गृह हम लोग जब इतने साल काम किए हैं स्वच्छता के ऊपर, तो हम प्राउडली फील करके बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को मतलब एक रिकॉग्नाइज दिया है, क्योंकि उन लोगों ने आज हमें एक चेंज मेकर के रूप में मतलब एक रिकॉग्नाइज किया है वुमेन्स को, तो उसके लिए मैं पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज का ये जो हम लोगों को एज अ वुमेन चेंज मेकर ऑनर दे रहा है, ये हम लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आज से पहले हम लोग जब भी अपने गाँव में जब हम ग्राउंड लेवल में काम करते हैं तो लोग हमें देखता है कि ये लोग जब भी देखो कूड़ा कचरे के साथ काम करता है, या तो टॉयलेट में होता है, या तो वो ग्रे वाटर में होता है, या तो सॉलिड वेस्ट में होता है, लेकिन ऐसा सम्मानित करके जब हम लोग भी अब जाएंगे हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिल रहा है कि हमें और अच्छा करना चाहिए। 75वें गणतंत्र दिवस में हर एक स्टेट से स्वच्छाग्रही को बुलाया गया है, विशेषकर महिला कार्यकर्ता जो इसमें अपना योगदान दे रही हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जो थीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे महिला कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिला है, प्रेरणा मिली है, जिससे वो अपने स्टेट्स में जाकर इस मिशन को और फैलाएंगी और स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करेंगी। अंबिका रश्मि, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कुछ रद्द कर दी गई हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, साथ ही सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें।
इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान जौ के खेत में भी सिंचाई करें। अभी जौ में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में जौ में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च के खेत में हल्की सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। किसान गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की तुड़ाई कर लें। इस समय आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करें। इसके अलावा बीन के खेत से घास फूस निकालें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ के किसान लोबिया की कटाई कर सकते हैं। अभी कद्दू की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बागों में सिंचाई करें। स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान धान के खेत में खरपतवार निकाल दें। वहां अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और मौसमी खेती के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के माने तो लालू ने अपने लोगों को अलर्ट पर रखा है और बहुमत जुटाने में लगे हैं। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और इसीलिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा उप सचिव हेम चंद्रपंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सिलीगुड़ी में होने वाली जनसभा के लिए अनुमति देने से मना कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसको लेकर तेलंगाना के सिरिसिला जिले के वेमुला वाड़ा सरकारी उच्च विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र में लंबे समय से चला आ रहा मराठा आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है। आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपना विरोध वापस ले लिया है। और ओला इलेक्ट्रिक्स के फाउंडर और चेयरमैन भावीश अग्रवाल की एआई स्टार्टअप फर्म कृत्रिम भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न बन गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।